दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैरियरटेक एकेडमी में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू HTML। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द HTML प्रोग्रामिंग, ये पार्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML का, स्ट्रक्चर ऑफ HTML प्रोग्रामिंग। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर तो होता ही है। और ये चीज हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग हो, चाहे सी हो, चाहे C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक पूरा का पूरा एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम सभी लोग अपने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो यह हो गया HTML बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग। चलिए, तो ये आज हम लोग एक बार हमने डिस्कस पिछले क्लास में हम ये कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में। देखिए, सबसे पहला काम हम लोग यहां पे लिखते हैं, ये हम लोग लिखेंगे यहां पे HTML, और ये यहां पे इसका रहेगा क्लोज, ये सारी चीजें। तो यहां पे हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए भाई, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे लाइव चैट में जुड़ चुके हैं। तो देखिए, तो पहला, सबसे पहला हम यहां पे HTML, ये HTML यहां पे लिखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। यहां पे हम लोग हेड लिखते हैं, हेड लिखते हैं, हेड का मतलब होता है हेडर। मिला जुला के अगर हम बात ये करें तो हमें ये रटना पड़ेगा या हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग का मॉडल या कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके का, ये हमें रटना पड़ेगा या बोले तो याद करना पड़ेगा। और यहां पे हम लोग ये लिखते हैं टाइटल, और ये यहां पे हम अपने जो भी स्टेटमेंट को लिखना चाहें, तो जो भी स्टेटमेंट हम यहां पे लिखना चाहेंगे, उन सारे स्टेटमेंट को हम यहां पे लिखेंगे अपने मन से, जो भी लिखना चाहे, जो हमारी मर्जी है, उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे लिखेंगे। और यहां पे HTML को हम लोग क्या, टाइटल को क्या करेंगे, यहां पे हम क्लोज करेंगे। ये हमारा टाइटल यहां पे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। और ये यहां पे स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर अपना यहां पे क्या, दिस इज द बॉडी, और दिस इज द बॉडी क्लोज, ये हमारा बॉडी, और बॉडी का स्ट्रक्चर यहां पे क्या हो गया, ये हम लोगों ने यहां पे क्लोज कर दिया। तो कुछ चलिए, तो यहां पे हम लोग अपना जो बॉडी के, ये यहां पे हम लोग अपने स्टेटमेंट जो भी लिखना चाहें, इन सारे स्टेटमेंट्स को हम यहां पे लिख सकते हैं। तो HTML प्रोग्रामिंग का ये आपका बेसिक मॉडल है कि कैसे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को हम लोग लिखेंगे, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको थोड़ा सा आप लोग भी याद कर लीजिए कि किस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। दूसरी एक बात है कि जब भी हम लोग HTML के प्रोग्राम को बनाएं, तो फाइल को बनाने के बाद इसे हम लोग सेव करते हैं। तो चलिए देखते हैं सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप। जब भी हम लोग HTML के फाइल को सेव करें तो उनका एक्सटेंशन हमें लिखना पड़ता है, और HTML की प्रोग्रामिंग का फाइल का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हमारा .html। क्या होता है,
दिस इज द डॉट HTML, वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें HTML एक्सटेंशन, ये हमें याद रखना पड़ेगा डॉट HTML और डॉट HTM। तो चाहे तो हम डॉट HTML भी लिख सकते हैं और चाहे तो हम लोग डॉट HTM भी लिख सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। वैसे देखा जाए हमारे कंप्यूटर में लगभग 3 कैरेक्टर के जो भी एक्सटेंशन होते हैं वो ले लिए जाते हैं, यानी 3 कैरेक्टर, अगर हमने 3 कैरेक्टर भी लिखा है तो 3 कैरेक्टर लिखने के बावजूद भी वो ये मान लेता है कि हाँ उसके एक्सटेंशन को वो प्रॉपर तरीके से वो रीड कर लेता है। तो हम डॉट HTML या फिर डॉट HTM भी लिख सकते हैं। और प्रोग्रामिंग का फाइल का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा। देखिए तो फाइल को जब सेव करेंगे, फाइल को सेव करने के लिए जो हमारे पास सिंटैक्स होगा, देखिए वो क्या लिखेंगे, यहां पे सबसे पहला काम यहां पे लिखेंगे फाइल नेम लिखेंगे और डॉट एक्सटेंशन ये लिखेंगे। फाइल नेम हम यहां पे कुछ भी दे सकते हैं जो हमारी यूजर चॉइस है। तो यूजर चॉइस जो भी चाहे, यूजर जो भी फाइल का नाम देना चाहे वो आपके फाइल का नाम वो क्या कर सकता है, वो दे सकता है। तो यूजर चॉइस और डॉट एक्सटेंशन में हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, HTML ये लिखेंगे या हम डॉट HTM लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, एग्जाम्पल दें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने नाम दे दिया यहां पे P1 नाम दे दिया, तो P1 और ये हमने लिखा यहां पे डॉट HTML, या हमने यहां पे लिखा रमेश डॉट HTML ये हमने लिखा, या हम कोई भी नाम दे दे, जो हमारी मर्जी है हम कोई भी नाम दे सकते। तो हमने यहां पे लिख दिया माई वेब डॉट HTML भी हम यहां पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम जो चाहें फाइल का नाम दे सकते हैं, अपनी तरफ से हम लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे कहने का मतलब यह है कि जो भी फाइल का नाम अगर हम एक्सटेंड देना चाहें तो वो हम यहां पे दे सकते हैं। तो हमने यहां पे लिखा माई वेब डॉट HTML या कुछ भी दे दिया, हमने यहां पे दे दिया हेलो डॉट HTML, या हमने लिखा फर्स्ट डॉट HTM, तो फर्स्ट डॉट HTM। तो जो भी हम फाइल का नाम या जो भी एक्सटेंशन हम देना चाहें वो सारे एक्सटेंशन का नाम हम यहां पे ये हम दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संजीत चौरसिया जी कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, हमारी तरफ से गुड इवनिंग संजीत जी, बहुत दिनों बाद आप दिखे हैं। और सागर दर्शन सिन्हा है, सागर दर्शन सिन्हा जी कह रहे हैं कि सर स्ट्रक्चर जिगजैग करके लिखना क्या मैंडेटरी है क्या? नहीं सागर जी, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। बस हम लोग ये कोशिश करते हैं, सागर जी की बात का जवाब दे दिया जाए कि सागर जी यहां पे जिगजैग में लिखने की कतई जरूरत नहीं है। हम लोग ऐसा इसलिए लिखते हैं कि जिससे हमें एक प्रॉपर तरीका मिल सके कि किस तरह से हम लिखें उसको। जैसे अगर हम बात करें यहां पे हमारा HTML ये ओपन है, तो यहां पे ये HTML का टैग है, तो यहां पे HTML का ये क्लोज है। तो थोड़ा देखने में एक प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस पता चल जाता है
कि कहां पे ओपन है और कहां पे क्लोज है, बाकी हम जिस तरीके से भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा हेड का ओपन है, ये हेड का क्लोज है, ये हमारा टाइटल है, ये टाइटल का क्लोज है, ये हमारा बॉडी है, ये बॉडी का क्लोज है, और यहां पे जो भी स्टेटमेंट है उन सारे स्टेटमेंट को हम यहां पे आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो सिन्हा जी, बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है, और बाकी ओके सर, थैंक यू। सागर दर्शन जी बोले थैंक यू। बाकी सागर जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप तुरंत हमें बताइएगा, तो आपकी चीजों को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अपनी बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, फाइल को सेव करने के लिए, याद रख लीजिए, फाइल को सेव करने के लिए हम लोग जो एक्सटेंशन यूज करते हैं वो .html या .stm यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलें, तो देखिए इसमें और आगे अगर आपको ले चलें, तो अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग को हम लोग HTML की प्रोग्रामिंग पे काम करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए स्टेप्स देखिए यहां पे क्या है कि सबसे पहला काम जो प्रोग्रामिंग का स्टेप है वो भी नोट कर लीजिए, प्रोग्रामिंग स्टेप। तो प्रोग्रामिंग का स्टेप अगर हम नोट करें तो देखिए सबसे पहला क्या है कि हम जो भी हमें कोड लिखना होगा, राइट कोड, कोड को हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। दूसरा काम यहां पे होगा फाइल सेव, फाइल को सेव करेंगे विद एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के साथ, ये मैंडेटरी है, तो ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि फाइल को हम सेव करेंगे विद एक्सटेंशन .html या .htm के साथ हम इसे क्या करेंगे, अपनी फाइल को हम क्या कर लेंगे, सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हमें याद रखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे ओपन या ओपन और सेलेक्ट एनी वेब ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर को हम लोग यहां पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद रन करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, आइए आपको हम समझाते हैं। एग्जाम्पल सीधा सीधा लाइव एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं आपको, और किसी से हम वेब पेज नहीं बना सकते हैं। सर जी बना सकते हैं, कई प्रकार के हमारे पास जो है वेब बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिलहाल समझाता हूं कैसे का क्या काम करेंगे। देखिए यहां पे हमारा क्या है, ये देखिए नोटपैड प्लस प्लस है, बात करते हैं हम लोग यहां पे, देखिए हमने यहां पे इसको एग्जिट किया, ये देखिए हमारा नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है, ये आप देख लीजिए, यहां पे हमने ओपन किया, ये देखिए आपका ओपन हो गया। दिस इज द योर नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे काम करने वाले हैं, तो कैसे काम करेंगे देखिए। सबसे पहला काम, कोई भी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है, हर प्रोग्रामिंग का अपना एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, तो चलिए पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हम लोग यहां पे लिखेंगे HTML, अगेन फिर यहां पे लिखेंगे HTML को हमने यहां पे क्लोज कर दिया, और ये रहा हमारा यहां पे हेड, ये हेड लिखा और हेड को हमने यहां पे क्लोज कर दिया, ओके। फिर इसके बाद हमने यहां पे लिखा टाइटल, टाइटल को लिखा और टाइटल को क्या कर दिया, यहां पे हमने क्लोज कर दिया, और इसके बाद देखिए ये हमारा रहा यहां पे बॉडी, बॉडी को लिखा हमने और बॉडी को यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे हमने क्लोज कर दिया। ये एक तरीका है कि हम किस प्रकार से HTML के प्रोग्राम को लिखें, तो याद कर लीजिए, ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, बहुत ही बढ़िया रहेगा कि आपको याद करने में भी आसानी होगी, और ये स्ट्रक्चर हमेशा हम लोग सभी प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इतना बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, और यहां पे आइए, यहां पे आगे एक मिनट, मैं फाइल पे आते हैं,
और से बैच किया, और सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे कोई एक फोल्डर बना लेते हैं। तो हमने एक फोल्डर यहाँ पे बनाया है माई एस टी एम एल नाम का, आप भी बना लीजिएगा। और इसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया है पी टू और डॉट एस टी एम एल लिखना बिल्कुल ना भूलें, ये याद रखें, हमें फाइल का नाम p2.html हमें लिखना है। तो याद रखिए, इसको हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर देखिए, यहाँ पे हमने जो फाइल का जो सेव किया है, यहाँ पे हमने लिखा है p2 लिखा है और .html लिखा है, ये वो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ कि हो सकता है कि इस स्क्रीन में आपको ये छोटा दिख रहा हो तो क्लियर ना पिक्चर दिख रही, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहां मैंने जो नाम लिखा है वो लिखा है मैंने p2.html, या जो भी आप नाम देना चाहें आप नाम दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। p1 मैं पहले बना चुका था इसलिए मैंने इसका नाम क्या रख दिया है, वो p2 रख दिया है। चल तो p2.html लिखा और यहां पर हमने पूछ रहे हैं कि सर ऐसा लिखना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन तब भी हमें कुछ न कुछ तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो फॉलोअप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आगे चल करके काफी दिक्कत होगी। और बहुत आसान है, एक बार दो बार तीन बार आप लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको फिर आदत बन जाएगी, आप लगातार क्लास करिएगा आपको काफी अच्छा लगने लगेगा। कोशिश करिएगा, बहुत तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई ना कोई एक तरीका तो हमें चुनना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, आपको ये मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे, और फाइल को हमने यहाँ पे जो है फाइल को यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब आइए, फाइल को सेव कर दिया यहाँ पे हमने, ये देखिए फाइल हमारी यहाँ पे ये सेव हो गई है। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइल को सेव करने के बाद, ये एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है, तो आज हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल सा प्रोग्राम ये बनाते हैं कि जिसमें एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, यहां पे लिखता हूं, जैसे हमने कहा कि ठीक है, क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले, ठीक है, योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पे हमने कहा कि अपने दोस्तों के आप नाम लिखिए, ठीक है। तो हमने आपसे कहा कि क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले योर बेस्ट फ्रेंड नेम, अपने दोस्तों के आप नाम लिखिए। तो ये मैं आपको एक प्रोग्राम दे रहा हूं बनाने के लिए, देखिए कैसे बनाएंगे। तो हम अपने प्रोग्राम पे आते हैं, पहले p2.html पे आए और यहां पे टाइटल में हमने नाम दे दिया, यहां हमने लिखा माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमने लिख दिया यहां पे माई, ठीक है। नितिन कुमार वर्मा जी पूछ रहे थे, तो नितिन जी मैं भूल गया, तो वो आपका नाम कुछ और डिस्प्ले हो रहा था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया नितिन जी। मैं ये कह रहा था, बड़ा सिंपल सा है स्टेप, तो याद कर लीजिएगा, माई बेस्ट फ्रेंड मैंने यहां पर लिख दिया है। और इसके बाद बॉडी में जब हम लोग आते हैं तो बस सिंपल से यहाँ पे एक नाम टाइप कर दिया है हमने, जैसे मान लिया हमारे बेस्ट फ्रेंड है, किसी का नाम रमेश है, दूसरा जो है हमारे बेस्ट फ्रेंड चलिए नितिन जी हैं, नितिन कुमार वर्मा जी हैं, नितिन जी H1 टाइप किए हैं, हेडिंग टैग की बात है। नितिन भाई आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, खुलासा करेंगे आगे चल करके H1 टैग क्या होते हैं, तो सारे टैग के बारे में एक एक करके खुलासा करेंगे। आज हम लोग का पहला प्रोग्राम है, इस वजह से थोड़ा सा हम लोग थोड़ा धीमे चल रहे हैं कि जिससे और भी हमारी ऑडियंस है उनको समझ में आ जाए। तो ठीक है, नितिन जी ने बिल्कुल H1 टाइप करके भेजा है, तो ये हमारे सेकंड मित्र हैं नितिन जी हैं। सेकंड हमारे और भी मित्र हैं, उनका नाम मान लेते हैं कि नंबर थ्री हमने लिखा सुरेश, ये हमारे सुरेश हो गए। नंबर फोर, ठीक है, जतिन प्रकाश हो गए। नंबर फाइव, ठीक है, मान लेते हैं कि कवि सिंह हैं, ये हमारे मित्र हैं, ये तो कवि, ये हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इतने सारे नाम को लिख लिया।
और फाइल को क्या कर दिया हमने यहां पे सेव कर दिया। ये देखिए जो फाइल था वो हमने यहां पे सेव कर दिया। अब हमें बारी आती है कि हम लोग कि कैसे अपने प्रोग्राम को हम चलाएंगे, किस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्रामिंग को करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग अपने प्रोग्रामिंग को किस तरह से रन कराएंगे। तो सबसे पहला काम आते हैं कहां पे, रन पे। तो रन पे आइए, यहां देखिए लिखा है कि लॉन्च इन फायरफॉक्स, तो यहां पे कह रहे हैं कि लॉन्च इन फायरफॉक्स। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे रन पे आने के बाद, लॉन्च इन फायरफॉक्स है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो बात करें अगर हम लोग यहां पे, तो रन पे देखिए लॉन्च इन शायद छोटा दिख रहा होगा आपको, तो फायरफॉक्स पे भी चला सकते हैं, आईई पे चला सकते हैं, क्रोम पे चला सकते हैं, सफारी पे चला सकते हैं, पीएचपी पे चला सकते हैं। ये तमाम सारे ऑप्शंस हैं जो यहां पे दिए गए। तो फिलहाल हम लोग रन पे करते हैं, लॉन्च इन आईई पे आते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहली बार है ब्राउजर खुलने में। ये देखिए ओके कर दिया, या आस्क मी लैडर, ठीक है। और यहां पे हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ये देखिए ये हमने यहां पे फॉन्ट आपको बड़ा करके दिखा दिया है। ये देखिए हमारे जो मित्र के नाम थे, रमेश सिंह थे, रमेश है, नितिन है, सुरेश है, जतिन प्रकाश है, कवि सिंह है, ये सारे हमारे मित्र के नाम जो है आपको यहां पे ये आपको दिखने लगेंगे। तो ये सिंपल सा एक तरीका है कि किस तरह से हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को करेंगे। अब जैसे यहां पे एक बात अगर हम लोग ये देखें कि अगर हम यहां पे बात करें, तो जैसे ये सारे नाम जो आ रहे हैं, रमेश है, नितिन है, सुरेश है, जतिन प्रकाश है, कवि सिंह है, तो ये जितने भी हमारे नाम आ रहे हैं अगर हम इनकी बात चर्चा करें, तो ये देखा जाए तो सारे के सारे नाम एक लाइन में आ रहे हैं। तो इनके लिए देखिए एक स्पेशल टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, एक टैग है। धीरे धीरे हम लोग सारे टैग के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे एक टैग है जिसे हम लोग कहते हैं बी आर टैग। तो बी आर टैग लिखा हमने, बी आर का मतलब होता है कि लाइन को ब्रेक करना। तो यहां पे बी आर लिख दिया और ये बंद कर दिया, हमने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, ये देखिए कंट्रोल वी किया, और लास्ट वाले लाइन में खैर जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद अपने वेब ब्राउजर पे आप आइए, और आने के बाद आप यहां पे F5 प्रेस कर दीजिए या जस्ट इंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं कि आने के बाद तो आप दो चीजें हैं, पहला है जस्ट प्रेस एंटर की, जस्ट प्रेस एंटर बटन, एंटर बटन, और दूसरा यहां पे हम लोग लिखेंगे या हम यहां पे जस्ट प्रेस F5 बटन, दोनों से हमारा काम हो जाएगा। अगर हम एंटर बटन भी दबाते हैं तब भी हमारा काम हो जाएगा, अगर F5 बटन दबाते हैं तो तब भी हमारा काम यहां पे हो जाएगा। तो आप दोनों काम यहां पे, ठीक है। तो संजीत चौरसिया जी कह रहे हैं कि लाइन को ब्रेक करना, जी हाँ बिल्कुल लाइन को ब्रेक करना है। और विवेक कुमार शर्मा भी कह रहे हैं सर बीआर टैग इस्तेमाल करें, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब है। तो किसी भी विंडो में जैसा XP 7, 8, 10 में प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ नितिन जी बिल्कुल कर सकते हैं, कि आप वेब ब्राउजर कोई भी ले लीजिए, आप किसी भी वेब ब्राउजर में आप अपनी प्रोग्रामिंग को रन करा सकते हैं। बस एक सिंपल सा कोई भी वेब ब्राउजर होना चाहिए। HTML एक बहुत ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ही बहुत ही कॉम्पिटेबल है, लगभग ऑलमोस्ट सभी OS के साथ कॉम्पिटेबल है, आप किसी भी कहीं पे भी आप चला सकते हैं और किसी भी आप वेब ब्राउजर पे इसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और
इसके बाद हम लोगों ने यहां पे ये लिखा, ठीक है, और देखिए तो यहां पे हम लोगों ने देखिए, अब इसके बाद हम लोग अपने मेन प्रोग्रामिंग पे फिर आते हैं। तो ये रहा हमारा पहला यहां पे। तो आज हम लोगों ने एक टैग और सीखा, बीआर। बीआर का मतलब होता है कि लाइन को, कि मेन टैग हम लोगों ने आज ये सीखा कि लाइन को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। तो चलिए आइए, तो मैं आपको एक टैग बता दूं कि कौन 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 सा हम लोग इस्तेमाल किए। जैसे वेरी सॉरी, जैसे हम यहाँ पे आ गए और हमने लिखा कि एक टैग के बारे में और सीखा, और इसका मतलब होता है कि लाइन ब्रेक, लाइन को क्या कर देते हैं यहां से हम लोग ब्रेक कर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सतीश पूछ रहे क्या सर F5 से रन कर जाएगा। हाँ बिल्कुल रन कर जाएगा, F5 से ही चलाते हैं मेन। मैक्सिमम जो लोग जो काफी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं उनके लिए F5 बटन यूज करना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, F5 से भी हम लोग चला सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं एक और। जैसे अगर हम बात करें प्रोग्राम नंबर 2, प्रोग्राम नंबर 2, कुछ कीबोर्ड की समस्या है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखते हैं। देखिए यहां पे हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिस्प्ले IPL टीम नेम। अब यहां पे एक सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, क्या मैंने दिया आपको कि राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले IPL टीम नेम। IPL के सारे टीम का नाम लिखना है आपको। तो IPL टीम का नाम तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत सारी टीम है। अगर मैं आपसे कहूं कौन कौन सी IPL की टीम है तो शायद आप हमसे यही कहोगे कि सर देखिए पहली वाली टीम का नाम मुंबई इंडियंस है, MI जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये हो गया MI। दूसरी टीम है CSK है, तीसरी टीम KXIP है, चौथी टीम अपने शाहरुख खान साहब की है जिससे हम लोग राजस्थान रॉय, वो KKR, ये हमने कह दिया। पांचवी टीम राजस्थान रॉयल्स, ठीक है, पांचवी टीम हमारी हो गई राजस्थान रॉयल्स। छठवीं टीम हमारी हो गई दिल्ली कैप्टन। सातवीं टीम हो गई हमारी RCB, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास और भी टीम है, शायद किसी टीम का नाम छूट रहा होगा तो हम लोग अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे हमारे पास जो भी टीम है, मुंबई इंडियंस है और एक सनराइजर्स हैदराबाद, उनके भाई फैन बहुत नाराज हो जाएंगे, सनराइजर्स हैदराबाद SRH, तो ये लगभग हमारे IPL टीम के नेम है। तो चलिए इनकी प्रोग्रामिंग हम लोग बनाते हैं या इनके प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, न्यू पे आएंगे, ठीक है। न्यू पे आने के बाद जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है तो सबसे पहले उस बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, HTML, चाहे अपर केस में लिखिए चाहे लोअर केस में लिखिए कोई इशू नहीं है। और HTML को हमने यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नाउ अगेन दिस इज आवर हेड, यहां पे हेडर सेक्शन लिखा और हेड को यहां पे क्या कर दिया हमने, यहां पे हेड को हमने क्लोज कर दिया। नाउ अगेन टाइटल, टाइटल लिखा और लिख दिया यहां पे IPL 2021, ये लिख दिया और टाइटल को क्या कर दिया, यहां पे टाइटल को हमने यहां पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये देखिए हम यहां पे आए और आने के बाद हमने यहां पे, सॉरी ये कर्सर मूवमेंट थोड़ा सही नहीं है, कीबोर्ड थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है,
बट कोई बात नहीं, यहां पे बॉडी लिखा और बॉडी को क्या कर दिया, यहां पे हमने क्लोज कर दिया। तो यार आप बॉडी इतना तो हमें हर बार लिखना है, मैंने आपसे बार बार कहा है कि HTML के हम चाहे जो भी प्रोग्राम बनाए तो हमें इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा। तो चलिए IPL टीम का नाम बनाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहां पर लिखते हैं नंबर वन, पहला लिखा हमने मुंबई इंडियंस MI, नंबर टू CSK ये लिखा, नंबर थ्री KKR, नंबर फोर SRS सनराइजर हैदराबाद, नंबर पांच आप लिख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स, नंबर छह किंग्स 11 पंजाब ये लिख सकते हैं आप, सातवीं टीम दिल्ली कैप्टन और आठवीं टीम हमारी रहेगी RCB। इनके सीक्वेंस ऊपर नीचे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये रेटिंग हम नहीं दे रहे हैं, बट आपको बस प्रोग्रामिंग बता रहे हैं कि कैसे हमें प्रोग्राम को हमें लिखना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम्स को लिखा कि किस तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग को करेंगे। देखिए तो सबसे पहला काम आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए हमने मुंबई इंडियंस CSK KKR SRH राजस्थान रॉयल्स KXP दिल्ली कैप्टन RCB, तो यहां तक हमने ये सारी चीजों को लिख दिया। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल को यहां पे सेव करेंगे। और फाइल को सेव करने के लिए मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहले यहां पे सेव बटन दबाएंगे हम लोग, और सेव करने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हम लोग यहां पे कंट्रोल S बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए पहली बार पूछेगा, तो हमने इसका नाम दे दिया क्या, P3. फाइल का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, जो आपकी मर्जी है, P3 और डॉट, यहां पे क्या लिख दिया हमने HTML और सेव कर दिया। तो यहां पे ये प्रोग्रामिंग हमारी क्या हो गई, ये सेव हो गई। तो अब क्या करेंगे, रन पे आएंगे, रन पे आने के बाद लॉन्च इन IE करेंगे। ये देखिए आपके सारे टीम के जितने मेंबर सब आ गए, लेकिन बस हमें पता है कि हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे लाइन को ब्रेक नहीं किया है, या ये कह लें कि हमने ब्रेक टैग का इस्तेमाल नहीं किया, या हम ये कह लें कि हमने BR टैग का इस्तेमाल नहीं किया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए एक काम कर देते हैं सबके आगे, यहां पे बिना देर किए हुए सबसे पहले यहां लिख देते हैं क्या, BR टैग लिख देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, जहां जल्दी हो जाएगा। BR लिखा, पेस्ट 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 पेस्ट, और यहां पे क्या कर दिया, पेस्ट। ठीक है, ये रहा पेस्ट और ये रहा आपका पेस्ट। ठीक है, और इसके बाद हमने यहां पे क्या कर दिया, सेव कर दिया और यहां पे रन करा दिया, लॉन्च इन करा दिया। ये देखिए आगे कि नहीं आगे, ये देखिए आपके सारे के सारे आपके यहां पे जो नाम है वो आपके आ जाएंगे, MI CSK KKR SRH, आपने जो जितनी टीम के नाम थे वो हम लोगों ने यहां पे ये लिख लिया। तो ये रहा हम लोगों का कि किस प्रकार से हम लोग HTML के बेसिक प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे, ये रहा। कृष्णा जी कह रहे हैं, गुरु जी प्रणाम, कृष्णा जी को मेरी तरफ से भैया बहुत बहुत नमस्कार। रिशान, डेली लाइव क्लास होती है? हाँ, पूरी कोशिश है कि हम लोग डेली क्लासेस आपके लिए करवाएं, कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें, जिससे हमारे बच्चे इसका फायदा उठा सकें। आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस आपके लिए हैं, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो ऑफलाइन पढ़ें, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। और धीरेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं, सर BR लगा दीजिए। तो मैंने कहा धीरेन्द्र जी, मैंने BR लगा दिया है। और इसके बाद कह रहे हैं कि कंट्रोल या सेव के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, सही बात है सर। BR टैग का यूज नहीं किए हैं, कर दिया भाई कृष्णा पे, सॉरी सर आज लेट हो गया। कोई बात नहीं, हम भी बहुत टाइम से नहीं रहते दोस्त, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ ही जाता है, कभी नेट नहीं चल रहा है, कभी माउस नहीं चल रहा है, जानते ही हो डिपेंडेंसी बड़ी ज़्यादा होती है इन सब चीज़ों में। जब सारी चीज़ें बिल्कुल सही टाइम पे चलती हैं, सही तरीके से चलती हैं, तभी हम लोग जा करके अपनी लाइव क्लासेस को स्टार्ट कर पाते हैं। तो थोड़ा बहुत चलता रहता है लेट पर, धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का एक सिंपल सा बेसिक प्रोग्रामिंग रहा, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक आध प्रोग्राम और बना लेते हैं, कि आप कुछ भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने आज IPL टीम का बना लिया, माई बेस्ट फ्रेंड के बारे में बना लिया, या हम लोग चले अपने एक प्रोग्राम और बनाते हैं कि सिंपल इसी प्रकार से अपने, हमने एक प्रोग्राम आपको चलिए और देते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम है
कि बेस्ट सिटी का नाम कैसे लिखना है। तो चलिए अगला प्रोग्राम दिया हमने आपको, ठीक है, क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले योर फेवरेट सिटी नेम इन HTML। तो एक सिंपल सा हम आपको एक और प्रोग्राम देने जा रहे हैं, एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन है, चलिए मेरे साथ करिए। तो हम लोगों ने कहा क्रिएट अ वेब पेज टू डिस्प्ले योर फेवरेट सिटी नेम इन HTML। तो आप अपने शहर के नाम बताइए जो आपको योर फाइव फेवरेट, तो हम यहां लिखते थे योर फाइव फेवरेट सिटी नेम इन HTML, अपने पांच शहरों के आप क्या बताइए, नाम बताइए। तो चलिए एक प्रोग्राम फटाफट और कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पे आने के बाद देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहला काम यहां पहुंचेंगे और जैसा कि हमने आपको ये बताया है कि सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, HTML लिखेंगे, और HTML को क्या कर दिया यहां पे हमने क्लोज कर दिया, ये रहा हमारा हेड, और ये हेड को हमने यहां पे क्या कर दिया, ये क्लोज कर दिया, और ये रहा हमारा टाइटल। तो ये रहा हमारा यहां पे टाइटल, और हमने यहां पे लिखा दिस इज माय फेवरेट सिटी। तो यहां पे हमने टाइटल का नाम लिख दिया। तो दिस इज माय फेवरेट सिटी, और टाइटल को यहां पे ये हमने यहां पे क्लोज कर दिया। और इसके बाद हम लोग अपने आते हैं जो है हेड के पास आते हैं, और यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा बॉडी, और बॉडी को क्या कर दिया यहां पे हमने क्लोज, और इसको यहां पे कर देते हैं सेव, और सेव के लिए हमने कुछ भी नाम दे दिया, हमने लिखा p4.html। अब आप कह रहे होगे सर ये आप p4 क्या दे रहे हैं, फिर आप कहोगे सर ये p4 देने के पीछे क्या लॉजिक है। तो p4 ऐसा नाम का कोई बहुत लॉजिक तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि हम लोग जो प्रोग्राम देते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम लोग p4 का मतलब, p का मतलब हो गया पेज, और 4 का मतलब हो गया चौथा, यानी ये क्या है, ये हमारा चौथा प्रोग्रामिंग है। तो p4.html, और इसके बाद हमने यहां पे क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया। ये देखिए यहां पे हमने सेव कर दिया है, और सेव करने के बाद अपने फेवरेट सिटी का नाम लिख देते हैं। तो सबसे फेवरेट सिटी हमारी, चलो मान लिया हमारी दिल्ली है, नंबर टू हमारी लखनऊ है, ठीक है, और नंबर थ्री झांसी है, नंबर फोर कानपुर है, और नंबर फाइव एक सिटी है वो मुझे बहुत पसंद है, वो है जलालपुर, JALAL। ये भी एक छोटा सा कस्बा है जहाँ बेसिक एजुकेशन हमारी हुई है, बहुत छोटा सा कस्बा, बहुत अच्छा है। तो दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, जलालपुर, ये हमारे फाइव फेवरेट सिटी हो गए, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे सेव कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमने रन करा दिया, तो यहाँ हमने लिखा कि रन कराने के बाद देखिए कहीं भी लॉन्च इन IE कर दिया, ये देखिए। तो दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, जलालपुर, ये सब तो आ गए, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि इन सभी को हमें न्यू लाइन पे लाना पड़ेगा। तो न्यू लाइन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहला काम यहाँ पे सबके आगे जो है वो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे हम BR, और इसी BR को यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट की आदत डाल लीजिए, बहुत अच्छा होता है कॉपी पेस्ट, ठीक है, और कॉपी पेस्ट। हाँ कृष्णा कुमार जी कह रहे हैं सर BR टैग लगाएं, बिल्कुल जनाब लगा दिया हमने, और ये देखिए रन किया, लॉन्चिंग किया, ये देखिए। तो दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर एंड जलालपुर,
ये आपके फेवरेट सिटी आपके क्या हो गए, यहां पे डिस्प्ले हो गए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का कि प्रोग्राम रहा कि किस तरह से हम लोग HTML में हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को हम लोग बनाए या किस प्रकार से प्रोग्राम को बनाए या क्रिएट करें। तो ये रहा हम लोगों का HTML का फर्स्ट प्रोग्राम कि कैसे प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं। तो छोटा सा रिकैप बता दूं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बताया उसको हमेशा लिखिए पहली बात। दूसरी बात है कि फाइल का नाम का एक्सटेंशन .html लिखना कतई ना भूलें, याद रखें। और प्रोग्राम को चलाने के लिए किसी एक वेब ब्राउजर का सहारा ले लें, बेस्ट है कि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। इसके बाद रन पे आइएगा, ये आइकन थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन रन पे आप जैसे आएंगे तो आपको तमाम कोई ना कोई ऑप्शन यहां पे दिख जाएंगे तो आप चला सकते हैं। देखिए क्या डिफॉल्ट है, लिखा है लॉन्च इन फायरफॉक्स, लॉन्च इन आई, लॉन्च इन क्रोम, तमाम ऑप्शन यहां दिए हैं। आप किसी भी ऑप्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इसको चला सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज बेसिक का प्रोग्रामिंग फर्स्ट प्रोग्राम रहा कि कैसे हम अपना HTML में प्रोग्राम को चलाएं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हाँ थोड़ा सा मैं बता दूं, कुछ बच्चों की बहुत शिकायत है, हम उनकी शिकायत बहुत जल्दी उनको रिड्यूस कर देंगे, बस थोड़ा सा हमें मौका दें। शिकायत है कि उनकी जो नोट्स है वो हम जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे, बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए दोस्त। तो नोट्स के लिए आप बेफिक्र रहिए और आपसे ये कहना चाहते हैं कि नोट्स आपको मिल जाएगी, श्योर है, इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं है, ठीक है। तो नोट्स आपको मिल जाएगी, पहली एक चीज बता दें हम आपसे, देखिए तो नोट्स के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आपको नोट्स मिल जाएगी, नोट्स हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश दोनों पे मिल जाएगी, बोथ मीडियम, ठीक है। और दूसरा है कि आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल के, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप जो है माई दीपक सर पे आप हमें जुड़ जाइए तो हम आपको सारे जो भी नोट्स है सारे नोट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे हम आपको क्या करेंगे वो आपको हम देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पे सब आपको मिलता रहेगा, माई दीपक सर पे जाइएगा, लिंक है वहां पे जुड़ जाइए, हम वहां पे सारी नोट्स वगैरह सब आपको देते रहेंगे। ये भी सारी सर्विसेज आपके लिए फ्री है। तो जुड़ने के लिए आज के लिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम जो है HTML के आज हमने बेसिक प्रोग्रामिंग पे डिस्कशन किया, अगली वाले पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग हेडिंग टैग या तमाम और भी टैग के बारे में क्या चीजें हो सकती हैं। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। सर कहां पे मिलेगा नोट्स, हरिदास चौरसिया जी कह रहे हैं।